हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आलू की पराठा की रेसिपी। देखिए दोस्तों, कितनी क्रंची और क्रिस्पी दिख रही है ये, तो खाने में कितनी और टेस्टी लगेगी। हर घर में ठंडियों के दिन में बनती है, सब कोई अपने अंदाज से बनाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। मैं बेहद ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जो जो घर के सब सामान मिल भी जाते हैं घर में। तो सबसे पहले एक हम लेंगे बड़ा सा बाउल, उसमें डालेंगे 8 से 10 आलू, उबले हुए आलू डाल दूँगी और इन सब आलू को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। दोस्तों, जब मेरे आलू मैश हो जाएंगे तो मैं इसमें एक कटोरी भर के धनिए के पत्ते में डालूँगी। दोस्तों, इससे बहुत ही टेस्टी बनता है। और दोस्तों, धनिया के पत्ते कटे हुए थे पहले से, मैं इसे धो ली थी और इसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट ली थी। इसमें अब 1 चम्मच अजवाइन जाएगा, जो पचने का काम करेगा, और ये जाएगा नमक, जो टेस्टी पूरा लगेगा। इससे स्वाद अनुसार मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिए हैं, और मैं कुटे हुए 1 चम्मच लहसुन, जो खल में मैंने दरदरा खल लिया था, उसे डाली हूँ लहसुन को। और फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ देखिए ये ग्रीन चिली है, हरी मिर्च है, इसे मैं काट के डाल दूँगी। ये बहुत ही तीखी होती है, इसीलिए मैं इसे बस 2 यहाँ डाली हूँ हरी मिर्च। और इसे देखिए, हरी मिर्च को मैं इस तरीके से काट ली हूँ, और मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी इस स्पून की हेल्प से। देखिए मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब दोस्तों, मैं क्या करूँगी, गेहूं का आटा मैं मार ली हूँ साइड में। देखिए इस तरीके से मैं लोई बना ली हूँ गेहूं की, और इसमें मैं दोस्तों इस तरीके से 1 से 1 बड़ा चम्मच भर के, और इस हेल्प से ऐसा शेप दे दी हूँ गोल सा। दोस्तों, अब मैं इसे चकले पे बेल लूँगी, बेलन की हेल्प से, पतली सी, रोटी से थोड़ी सी मोटी रहती है पराठे। अब देखिए दोस्तों, मैं तवा रखी थी गैस पे, फ्लेम को की थी बिल्कुल भी हाई 2 मिनट तक। फिर उसके बाद 2 मिनट जब हो गए थे तो मैं इसको डाल दी हूँ, और फिर जब थोड़ा चेंज कलर हो गया था तो मैं इसे पलट दी हूँ, जैसे रोटी को पलटते हैं, फिर वैसे इसे पलट के जब दोनों तरफ से सीख जाएंगे तो फिर मैं इसमें करीब 2 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। आप चाहें तो घी, बटर, जो भी आपको पसंद हो आप वो अपने पसंदीदा डाल सकते हो। फिर दोस्तों, इसे अच्छे से इस तरीके से हम चारों तरफ से चला लेंगे। दोस्तों, आप इसे चटनी के साथ या मसाला वाली ग्रेवी वाली सब्जी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए कितने मैंने कम समय में, कितनी आसानी से मैंने इसे बना लिया है। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल भी कितने कम तेल भी लगी है इसमें, बहुत ये हेल्दी भी है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें अपने घर और मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के